हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मैंने बाइक ले लिया था, ट्राइवन RC 100। तो इसको चलाते हुए लगभग मेरे को 1 महीना हो गया, और मेरे पास यहाँ पे पंप नहीं था। मैंने पंप नहीं लिया था, तो उस वजह से मेरे को 2 ट्यूब एक्स्ट्रा लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पंचर हो गया था, और दोनों के दोनों, एक तो मेरे को याद है पिंच पंचर हुआ था, यानी हवा कम थी। हवा कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा थी, जो टायर और रिम के बीच में ट्यूब को कट बज गया, बिल्कुल माइनर सा, उसकी वजह से पंचर हो गया। दूसरे का पता नहीं, वो भी शायद सेम हुआ, तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे $6.50 की ट्यूब लेनी पड़ गई। तो ट्यूब तो मैंने चेंज कर दिया, हवा भी भर दिया है, बट मेरे को एक पंप की ज़रूरत थी, और जो पंचर हुए हैं ये वाली ट्यूब्स, इसको रिपेयर करने के लिए मेरे को चाहिए पैचेस। ये पैचेस है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, अगर कनाडा में हो, नीचे लिंक दे दूंगा, आप ये बाय कर सकते हो। खोल के देखूंगा अभी इसमें क्या क्या आता है। इसमें वैसे वो भी है, क्या बोलते हैं, टायर लीवर भी है टायर खोलने के लिए। वैसे इसके मैं अपने हाथ से खोल लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती नहीं है खोलने के लिए टायर लीवर से, अपने हाथ से ही। वैसे फिर भी उन्हें मंगवा लिया, क्योंकि ठंड हो जाएगी, ठंड में हाथ से मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मंगवा लिया। तो अभी ये पंप है, पंप तो मैंने ऑर्डर कर लिया है, अभी डिकैथलॉन का पंप है। नॉर्मल पंप था, जो इंडिया में मिलता था 1500 का, यहाँ मिलता है $25 का, और जो इंडिया में मिलता था 2500 का, वो यहाँ पे मिलता है 2700-2800 के आसपास, यानी $45 का। अभी ये मैंने पंप ऑर्डर किया था, इस पर लिखा हुआ था ये एल्यूमिनियम ट्यूब वाला है, खोल के देखेंगे, एल्यूमिनियम ट्यूब ही है। बट इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे डब्बा खोला मैंने, ये बड़े डब्बे में आया था, ये वाला डब्बा है, इसी डब्बे में आया था, बहुत छोटा ही यार पंप। बाकी खोल के देखते हैं अगर ये प्रेशर बनता है इसमें, बाकी कमर की बैंड बजेगी, क्योंकि बहुत छोटा है, नीचे नीचे होके करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या बनता है, पहले इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। वैसे 100 तक भी अगर इसमें प्रेशर बन गया तो बढ़िया रहेगा, अगर कम है तो फिर डिकैथलॉन का ही 45 का खरीदना पड़ेगा। क्यों? अब सोच रहे होगे 25 का क्यों नहीं लिया मैंने, ये $30 का क्यों मंगवाया। भाई आउट ऑफ स्टॉक है ही नहीं, सिर्फ $45 वाला है। पर चलो बचाते हैं अपने $15। खोल लिया ये एल्यूमिनियम ट्यूब, बोला था पता नहीं, यकीन सा नहीं हो रहा है एल्यूमिनियम ट्यूब है कि नहीं। ये देख सकते हो, क्लोजअप करके दिखाता हूँ, देख लो हैंडल इसका बढ़िया है, काफ़ी लंबा और ग्रिपेबल है, यानी प्रेशर जब ज़्यादा होगा इजी होगा इसको। और ये डब्बी जो गिर गई है, किधर गई, इसमें जो इसके साथ में पिन आती है ये वाली है शायद, हाँ ये वाली पिन है, ये रखने के लिए जगह है, ये डब्बी वाली साइड पर रखते हैं इसको। तो माई फर्स्ट रिएक्शन, देखने में क्वालिटी कैसी है, जैसे इंडिया में खरीदते हैं हम 200-250 वाले पंप, ये नोज़ल की वैसी क्वालिटी है। पास से दिखा देता हूँ आपका, ये देखो जो नोज़ल की क्वालिटी है उस टाइप की है, होपफुली अच्छी चलेगी, 1 साल भी निकल गया तो भी पैसे वसूल है। और ये रहा इसका गेज, गेज में वो नॉब नहीं है जो डिकैथलॉन में मिलता है, आप मार्क लगा सकते हो कि इतना ही प्रेशर भरना है। बाकी इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके पता लगेगा इसमें आप सही तरीके से प्रेशर भर पा रहे हो कि नहीं। एक जगह पे एक टायर में भर के देखता हूँ और फिर पता लगेगा, क्योंकि अगर प्रेशर बन गया तो कामयाब है, अगर नहीं बना प्रेशर तो क्या कर सकते हैं, पैसे खर्च लिए खर्च लिए फिर डिकैथलॉन का दोबारा लेंगे। और पीछे करके देखता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आया, और अब देखते हैं पीछे वाले पे, लॉक लगा दिया, अब है वर्डिक्ट टाइम, मेरे को पसंद आया कि नहीं। यस भाई,
80 PSI था इसमें प्रेशर, 100। ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब थोड़ी छोटी है, उसकी वजह से ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, पंप्स मारने पड़े मेरे को, बट दम नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा दम नहीं लगा। और नीचे है तो वैसे ही प्रेशर ज़्यादा मैंने लगा लिया, आराम से भर गया 100 का PSI इसमें, 100 PSI आराम से, 120 तक करना है, वेरी इजी। और इसमें मेरे को सबसे बढ़िया बात पता है क्या लगी, बिल्कुल छोटा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने आप पैक के अंदर लेके जा सकते हो। अब मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया से अपना पंप नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि पंप बड़ा था, मेरे बैग के अंदर आएगा नहीं, फुल साइज का पंप था। अब ये साइज छोटा है, अब इसको मैं कहीं जाऊंगा तो ये साथ में मैं लेके जा सकता हूँ, बड़ी आराम से। प्रेशर अच्छा बन गया इसका। और इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में। इसमें एक मॉडल आता है ये वाले गेज वाला, मैनुअल गेज है, ठीक है, और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक, अगर थोड़े पैसे ज़्यादा खर्चने हैं इलेक्ट्रॉनिक गेज वाला वो ले सकते हो। ये तो पास है, बिल्कुल बढ़िया है पंप। नोजल की क्वालिटी कुछ पसंद नहीं आई, बट पंप और ये गेज ब्रिलियंट है। मोबिलिटी आपको मैं बता दिया, इसको मोबाइल है, आप अपने बैग में रख के लेके जा सकते हो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो। बाकी बची है ये, अब इसको देखते हैं ये फायदेमंद रही कि नहीं। ये मैंने मंगवाए हैं अपने जो ट्यूब्स हैं उसको पैच करने के लिए। डिब्बी तो बढ़िया है, जैसे होती है थोड़ी क्लासिक, ये ब्रांड है, टेप लगी है, और उल्टी उल्टी खोल रहा हूँ। पहले इन्होंने अपनी की है एडवर्टीजमेंट, कार्ड वगैरह दिया है, ठीक है, बताया इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसमें मिली हैं ये वाली छोटी टिक्कियाँ, खाने वाली टिक्कियाँ नहीं है, लगाने वाली टिक्कियाँ, साइड पर रखता हूँ। ये मिली है थोड़ी बड़ी वाली टिक्की, बड़ी वाली टिक्कियाँ भी ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 के आसपास है, 8 टिक्के के आसपास है। दो ये बड़ी वाली, बड़े वाले पैच, अगर ज़्यादा वो बड़ा पंचर रहता है ना वो वाले पैचेस, पूरी पूरी एक हिसाब से किट है। फिर आती है ये, मोस्टली ये लोगे ना आप, पंचर किट है, रिपेयर किट है, इसमें आपको एक ट्यूब मिलती है, इसमें दो है, $16 के आसपास है, 16-17 डॉलर के आसपास। और ये है टायर लीवर, मेरे को तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बट सर्दियों की वजह से मैंने ले लिया, क्योंकि सर्दियों में दस्ताने नहीं उतार पाऊँगा बाहर, अगर पंचर हुआ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने इसलिए ये वाली किट ऑर्डर की, क्योंकि इसमें ये मिल रहे हैं इसी की वजह से। अगर आपने कभी बाहर से पंचर लगवाया होगा तो आपने देखा होगा, हम तो मोस्टली ये सैंड पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, बट बाहर मैंने देखा है ये लोहे वाली जो है ना, स्टील वाली या लोहे वाली, ये इस टाइप का सैंड पेपर होता है, इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें ये वाले हैं, एक दो और तीन, दो सैंड पेपर, तीन लोहे वाले सैंड पेपर, और ढेर सारी ये वाली टिक्कियाँ। और बिल्कुल अगर पिन वाला पंचर है ना तो वो वाली छोटे 6, तो ये सब कुछ इसमें मिला है, पसंद आया मेरे को। बाकी इसको यूज़ करके एक अलग से वीडियो में बताएंगे, इसको लगाने का थोड़ा टीडियस टास्क नहीं होता, थोड़ा इजी होता है, बस आराम से लगाना होता है। तो ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी विद द परचेज। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है स्पेशल, अब इंडिया में तो हो नहीं स्पेशल, अगर कैनेडा में साइकिल को लेकर, चीज़ों को लेकर, अवेलेबिलिटी के बारे में आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।